दोस्तों आपने सुना होगा जियो वेलकम ऑफर के बारे में, JWO ऑफर के बारे में, और ये ऑफर 3 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च तक ऐसा क्यों हो रहा है, क्या एग्जैक्ट न्यूज़ है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइब्रेरी, लेट्स डू इट। दोस्तों आपने सुना होगा जब ऑफिशियल लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 2016 को जियो का, तो जियो ने सबसे पहले ये लॉन्च किया था कि ये ऑफ़र 3 मंथ्स तक वैलिड होगा। उसके बाद इस ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर तक के लिए। अभी हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि ये ऑफ़र एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च तक के लिए। इससे होने वाले बेनिफिट, इससे होने वाले नुकसान कस्टमर्स के लिए और जियो के लिए, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जियो के वेलकम ऑफ़र के बारे में। जियो ने वेलकम ऑफ़र ऑफिशियली लॉन्च किया था 5 सितंबर 2016 को। इस ऑफ़र में उन्होंने ये फैसिलिटीज़ दी थी कि वीडियो कॉलिंग फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, कॉलिंग्स फ्री होंगी, SMSs फ्री होंगे, इंटरनेट पैक्स फ्री होंगे, सब कुछ उन्होंने अनलिमिटेड दिया हुआ था एक्सेस करने के लिए 31 दिसंबर तक के लिए। उन्होंने कुछ ऑफिशियल अपने जो ऐप्स हैं वो लॉन्च किए थे, जहां पर आप टीवी देख सकते हो, सिनेमाज देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, सब कुछ इससे रिलेटेड सभी कुछ देख सकते हो आप, वो सब कुछ अनलिमिटेड था। जियो का जो स्टार्टिंग, जियो ने जो अपना टारगेट सेट किया हुआ था वो किया था 100 मिलियंस, दैट इज 10 करोड़ यूजर्स को गैदर करने का, यूजर्स को अपने नेटवर्क पे लाने का। बट अभी जियो का जो टारगेट, करेंट टारगेट अभी अचीव किया हुआ है वो अराउंड है 15 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने जोड़ लिए हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। उनको ये टारगेट अचीव करने में अभी प्रॉब्लम आ रही है। इवन मैं कह सकता हूँ कि 15 लाख से ज़्यादा ही जो कस्टमर्स हैं वो उनके नेटवर्क पे इस समय हैं। करंटली अगर मैं बात करूँ जियो की, उनका ऑफिशियल टारगेट क्या है, उन्होंने करीबन 10 करोड़ यूज़र्स अपने नेटवर्क पे लाने के लिए टारगेट सेट किया हुआ है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये ऑफ़र 31 दिसंबर से एक्सटेंड करके 31 मार्च तक के लिए वैलिड कर दिया गया है। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफकोर्स 2017 में ही मार्च आएगा अब अगला, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इससे होने वाले बेनिफिट्स को, ठीक है, तो जहाँ पर आप 31 दिसंबर तक के लिए आपका माइंडसेट था कि हाँ ये 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 1 जनवरी से ये ऑफ़र स्टार्ट होगा, हमें पे करना पड़ेगा, जो उनके प्लान्स हैं 499 प्लान्स हैं उनके, उसके रिगार्डिंग हमें ये सारा पे करना पड़ेगा। बट हमें जो बेनिफिट हो रहा है, हमें अनलिमिटेड एक्सेस मिल गया है 31 मार्च तक के लिए। ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है बट न्यूज़ में, अदर वेबसाइट्स पे, अदर हर जगह पे ये चीज़ अवेलेबल है कि ट्राई से उनका जो है वो लिंकअप हुआ है, ट्राई ने उनको ये ऑफ़र एक्सटेंड करने के लिए अप्लीकेबल कर दिया है। बट ट्राई ने, आई थिंक जो मेरा मानना है, वो JW ऑफ़र जो है वो ट्राई ने उसका नाम चेंज करने को बोला है, दैट इज़ जियो वेलकम ऑफ़र, और वो ऑफ़र में भी हो सकता है उसका नाम कुछ चेंज हो जाए। तो ऑफिशियली ये लॉन्च जब होगा तब होगा, आई डोंट नो कब होगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ आपके बेनिफिट ही हैं, जैसे अगर जियो वेलकम ऑफ़र की बात करूँ तो एक माइंडसेट बन जाता है, कॉन्टिन्यूसली यूज़ करने के बाद आपकी हैबिट बन जाती है उसको कॉन्टिन्यूस यूज़ करने की। तो इसलिए अभी तक ये सारे ऑफर्स फ्री हैं, सारी एक हैबिट क्रिएट की जा रही है, एक टारगेट सेट किया जा रहा है कि इतने सब्सक्राइबर इनके पास हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो उसमें से 20% सब्सक्राइबर अगर पे नहीं भी करते हैं तब भी जियो को बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको हर मंथ 499 के अराउंड अप्रॉक्सीमेट 250 रुपये पर यूज़र मिलने स्टार्ट हो जाएंगे हर मंथ। तो इसी तरीके से, मतलब ये पर यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी जो है वो ये एक एडवांटेज है हमारे लिए। तो एडवांटेज ये है कि हमारे पास मार्केट में इतनी अच्छी स्पीड, इतनी अच्छी पैकेजेस के साथ कोई भी कंपनी अवेलेबल नहीं थी, अभी हमारे पास ये कंपनी अवेलेबल है और इस पर हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखिए तो हमें अगर मैच देखना है तो वो सब हम फ्री देख रहे हैं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि उनको अपना टारगेट भी सेट करना है, उसके अलावा उनको यूज़र्स का माइंड सेट क्रिएट करना है कि यूज़र जो है वो हैबिचुअल हो जाए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उससे जो सब्सक्राइब हो जाएंगे स्टार्ट करेंगे रिचार्ज करना, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी बिग डील नहीं है कि 500 रुपये आप जो है वो पर मंथ पे करें, उसमें आपको जो उनके रिलेटेड ऑफर है लाइक अनलिमिटेड कॉलिंग, अगर आपको याद होगा तो रिलायंस ने, रिलायंस जो अनिल अंबानी के पास है,
ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था कि अगर आप 399 का रिचार्ज करते हैं तो आप रिलायंस टू रिलायंस फ्री कॉलिंग कर सकते हैं, नेशनल एंड लोकल बोथ, ठीक है। इसी तरीके से इसी की तर्ज पे अगर आप देखें तो 499 जियो को प्लान को यूज़ करने के बाद आप अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड इंटरनेट पैक इन द नाइट लिमिटेड एरिया के लिए 1 से शायद 5 बजे तक के लिए ऑफर वैलिड है कि अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर स्टार्टिंग द प्लान्स, ठीक है। तो 31 मार्च तक के लिए हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल हो गई है, ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है बट 100% ये लॉन्च होगा, 100% इसके बाद 31 दिसंबर के बाद इस तरीके की सारी न्यूज़ या इस तरीके से अपडेशन होगा। जब आप अपना माई जियो खोलते हैं उसमें जो यूजर्स लिख के आता है वहाँ पे आपके ऑफर का नाम लिख के आता है, मे बी जो JWO ऑफर है उसका नाम चेंज हो जाए, उसका नाम कुछ और रख दिया जाए, एक्सटेंड हो जाएगा। ओवरऑल कस्टमर को तो बेनिफिट हो ही रहा है बट आप अपना माइंडसेट क्रिएट रखिए, आपको हैबिट नहीं क्रिएट करनी है इस चीज़ की, ठीक है। इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं और भी वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और शेयर भी कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। मे बी हो सकता है मेरी सेकेंड वीडियो है ये, तो हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक्स हों, बट ओवरऑल आप अपने फीडबैक नीचे कमेंट्स में देते रहिए, ठीक है। थैंक यू, वंदे मातरम।